ये तांत्रिक निशान है, तांत्रिक निशान है, तो तेरे ये तेरे का निशान है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया है उसकी प्रमाणिकता यहाँ पूरी तरीके से मिलती है। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ स्थल जो बारह कूप है, यज्ञ बारह कूप, वहाँ आज भी जले हुए चावल और जौ प्राप्त होते हैं। या जो शिव मंदिर आप देख रहे हैं, भगवान राम की व्यवस्था में जो भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, सबसे पहले भगवान शंकर की पूजा उपासना होती थी, वह भगवान राम के द्वारा स्थापित शिव मंदिर। इसके अलावा अरुंधति कूप, जहाँ पर उनके कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने अपना डेरा जमाया था, वह अरुंधति कूप, और यज्ञ में छोड़ी हुई भूमि जो अहल्या भूमि कही जाती है, जहाँ पर आज तक हल नहीं चला है, वह अहल्या भूमि, इस चीज़ की प्रमाणिकता देते हैं कि यहाँ पर भगवान राम का अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ है। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार वशिष्ठ जी ने यज्ञ के संकेतों में नैमिषारण्य के लिए संकेत करके और सारी व्यवस्थाएं नैमिषारण्य में कराई। इतना विशाल यज्ञ था वह कि उसके लिए तमाम क्षेत्र चाहिए था, तमाम राजे महाराजे और तमाम पुरोहित, तमाम ब्राह्मण उपस्थित हुए। तो यहाँ पर जो है यज्ञ स्थल रखा गया गोमती तट से कुछ दंड उत्तर की ओर। तमाम शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ का स्थल